फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद ना आए तो तुरंत डिसलाइक मार दीजिएगा, और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिस पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाते हैं तो उसकी टहनियाँ टूटने लगती है। ठीक वैसे ही जब इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वह रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनी इज्जत बनानी हो तो सिर्फ शब्दों को जानना और पहचानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। सुनना सीख लो, सहना भी सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना भी सीख जाओगे। ये बातें किसी ज़माने में अच्छी लगा करती थी, लेकिन अगर आज के ज़माने में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो केवल इन बातों से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि सीखो केवल अपनी तकलीफ को सहना, न खुद का बुरा करो और न किसी को अपना नुकसान करने दो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर न दंड देता है और न माफ़ करता है। ये हमारे कर्मों का फल है जो हमारे सुख दुख का कारण बनता है। हमारे कर्म वो आईना हैं जो हमें असली चेहरा दिखा देते हैं। लेकिन इंसान की फितरत भी अजीब है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वो सब बातें और इल्ज़ाम इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसलिए जिस दिन आप दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़कर अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई रुला नहीं पाएगा। झूठ भले ही आकर्षक है, लेकिन स्थिरता सत्य में ही होती है, और शब्दों का वजन बोलने वाले पर निर्भर करता है। कोई शब्द मंत्र बन जाता है और कोई शब्द गाली बन जाता है। इसलिए हमेशा सच बोलें, भले ही वह कड़वा ही क्यों न हो। सच बोलना कभी आपको नुकसान नहीं देगा। याद रखें, शब्द भी चाबी की तरह होते हैं। इसका इस्तेमाल करके किसी का मुंह बंद किया जा सकता है और कई दिलों के ताले खोले जा सकते हैं। बुरे समय में दिलासा देने वाला भले ही अजनबी ही क्यों न हो, वह दिल में उतर जाता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों न हो, वह दिल से उतर जाता है। इसलिए कभी भी किसी और की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। अगर अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनके भी इकट्ठा करोगे तो घोंसले बनेंगे, और बुरी नीयत से इकट्ठा करोगे तो झाड़ू के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस मोटिवेशनल वीडियो।